हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज आपके साथ एक बहुत ज्यादा मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, कुछ हटके वीडियो करने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ दो प्रोडक्ट का रिव्यू प्लस कंपैरिजन वीडियो करने वाली हूँ। सो आपका टाइटल हमने देखे पता लग गया होगा। सो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कॉमेंट जरूर करना एंड मुझे सजेशन भी आप दे सकते हो आपको किस टाइप की वीडियो देखनी है। कोई भी क्वेरी हो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकती हूँ, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके पूछ सकते हो, मैं अपना हैंडल यहाँ पर लगा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी इंस्टाग्राम का। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ, कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कोई भी पेड वीडियो नहीं है, मैं आपको अपनी तरफ से ये प्रोडक्ट रेकमेंड करने वाली हूँ। सो गाइस, आज आपके साथ जो मैं प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ एंड जिनका मैं कंपेरिजन वीडियो करने वाली हूँ, वो है ये। सबसे पहले है ये लैक्मे की सीसी क्रीम, मेरी ऑल टाइम फेवरेट आपको पता ही है। एंड इसका मैं कंपेरिजन करने वाली हूँ इसी लैक्मे ब्रांड के फाउंडेशन के साथ। सो ये है लैक्मे का फाउंडेशन। इस लैक्मे का काफी फाउंडेशन आते हैं बट मैं आपको ये अफोर्डेबल कैटेगरी में ये सबसे अफोर्डेबल लैक्मे का फाउंडेशन है उसके साथ इसका कंपैरिजन करके बताऊंगी। ये दोनों प्रोडक्ट मेरे काफी फेवरेट है बट मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी इसमें क्या डिफरेंस है, किसकी कवरेज अच्छी है, किसकी मीडियम है, किसकी लो है, किसको बिल्डअप करना पड़ेगा, किसको जो जैसे भी जो कवरेज देता है वो आप सबको। सो वो मैं सब इस वीडियो में आपके साथ बताने वाली हूँ। एक तरफ मैं अप्लाई करूंगी लैक्मे सीसी क्रीम, एक तरफ अप्लाई करूंगी लैक्मे फाउंडेशन, तो आपको दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगी। लैक्मे की सीसी क्रीम है, इसमें 4 शेड्स आते हैं एंड अभी मुझे नाम याद नहीं है बट मेरा जो शेड है वो है 01 बेज। तो इसका जो प्राइस है वो है 299 रुपीज एंड इसको मैंने काफी टाइम पहले लिया था, आई थिंक फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, कहीं से तो लिया था। ऑल इन वन इंस्टेंट स्किन स्टाइलिस्ट है, SPF इसमें 30 BPA +++ है, कॉम्प्लेक्शन केयर। सीसी क्रीम का मतलब होता है कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम। सो इस टाइप की पैकेजिंग में आती है, ये बड़ी वाली पैकेजिंग है। इसमें छोटी वाली 99 की भी आती है, वो भी आप ले सकते हो अगर आपको ट्राई करनी है, ठीक है। अगर आपको पसंद आती फिर आप बड़ी वाली लेना, मैंने भी पहले छोटी वाली पैकेजिंग ट्राई की थी। लैक्मे का जो परफेक्ट लिक्विड फाउंडेशन है, इसमें टोटल 6 to 7 शेड्स आई थिंक आते हैं। मेरा जो शेड है वो है नेचुरल पर्ल। सो इस टाइप की पैकेजिंग में कांच की बॉटल है एंड इसमें आपको 27 ml की क्वांटिटी मिल रही है। इसमें आपको जो क्वांटिटी मिल रही है वो है 30 g की क्वांटिटी। तो सबसे पहले मैं प्राइमर लगा लेती हूँ। वैसे मैंने टोनर, मॉइस्चराइजर, सीरम वगैरह लगा ली है अपनी फेस पे, आप देख सकते हो पूरा मैंने स्किन केयर कर लिया है। प्राइमर मैं अभी लगा लेती हूँ। तो प्राइमर बहुत मस्ट है, आपको जरूर लगाना चाहिए कोई भी अगर आप बेस प्रोडक्ट लगा रहे हो। तो मैं यहाँ पर हल्का सा प्राइमर लगा लेती हूँ। इस साइज में अप्लाई करूंगी लैक्मे की सीसी क्रीम। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, इसको अप्लाई करेंगे। तो ये मेरी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई, इसको बहुत यूज किया अभी मुझे, मैं इसकी नई वाली पैक अभी मैं नई वाली लूंगी इसकी। सो वन साइड लगाना है, कुछ ज्यादा प्रोडक्ट मैंने ले लिया, इतना मैं पूरे फेस पे लगाती हूँ। ये थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी है सीसी क्रीम की, आप देख लो थिक वाली है, रनी बिल्कुल भी नहीं है, थिक कंसिस्टेंसी है। डॉटेड करके पूरे फेस पे लगाऊंगी ऐसे, तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही प्रोडक्ट लगा के बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से कवरेज का पता चल जाए, ज्यादा ही जैसे पूरा भर भर के भी नहीं, एक अच्छी सी आपको जहां मुझे ज्यादा नीड है वहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट एंड नेक को भी मत भूलिएगा। अभी दूसरी तरफ मैं लगा लेती हूँ, ये है लैक्मे का फाउंडेशन। तो ये इस टाइप से आता है, आपको इसको ऐसे ही लेना था, इसमें कोई भी पंप वगैरह नहीं आता। थोड़ी सी क्वांटिटी मैं ले रही हूँ, एक्चुअली उतनी ले लेती हूँ तभी पता चलेगा डिफरेंस का। तो ये थोड़ा सा ना रनी है इसकी, बहुत ज़्यादा भी रनी नहीं है लेकिन आप देख लो इस ये थोड़ा सा रनी थी, सीसी क्रीम थोड़ी थिक थी तो उससे थोड़ा सा रनी है, थोड़ा सा उससे कह लो उससे थोड़ा सा पतली कंसिस्टेंसी है इसकी, मुझे अब कहना नहीं आ रहा क्या इसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा पतला है उससे सीसी क्रीम से, सीसी क्रीम थोड़ी सी थिक है। तो इसको भी मैं लगा लूँगी, आप देख लो शेड में ना थोड़ा ये पूरा स्किन टोन से मैच है, हल्की सी थोड़ी सी ये लगती है वाइट बट ये लगाने के बाद एकदम हो जाती है, पूरी सेकंड स्किन नहीं लगती है, ब्लेंड कर अगर अच्छे से करते हो तो पूरी आपकी स्किन में मर्ज हो जाती है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता, वाइट वाइट बिल्कुल लगती। पहले ये वाला एरिया मैं ब्लेंड करूंगी सीसी क्रीम वाला।
सो यू कैन सी कितनी अच्छी कवरेज दी है इसने. ये तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, मैंने आपको बताया. मैं इसको बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है. एंड आप देख लो, एक अच्छा सा ग्लो भी आपको प्रोवाइड करती है, बिल्कुल भी आपकी स्किन को ड्राई नहीं करती. जैसे इसके ऊपर लिखा भी है कि इंस्टेंटली ये आपकी स्किन को ना प्रोटेक्ट भी करती है, मॉइस्चराइज भी करती है, ब्राइट करती है, इवन स्किन टोन दे देती है, कंसील भी करती है, फ्रेश लुक भी देती है. सो आप देख लो, ये बिल्कुल केक ही नहीं लगती अगर अच्छे से स्किन केयर करोगे. ऐसा भी नहीं है आपको इसको अपने ऐसे फेस पे लगा लेना है, अच्छे से मॉइस्चराइज कर लो फेस को, टोनर लगा लो, मॉइस्चराइज लगा लो, प्राइमर लगा लो. अगर एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, सीरम लगा लो, तो फिर इसको ब्लेंड करो तो बहुत अच्छा ही आपको रिजल्ट देगी. तो ये तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है. आप देख लो कितनी अच्छे से इसने स्किन को इवन आउट कर दिया है. इवन जो मेरे यहाँ पर डार्क सर्कल्स हैं उसको भी कितनी अच्छे से हाइड कर दिया है. आई डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लाइक कंसीलर वगैरह, तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत लग नहीं रही है. तो अगर आप चाहो तो इसी को ही बिल्डअप कर सकते हो, जहाँ भी आपको एक्स्ट्रा अगर आपको कवरेज की नीड है, कहीं डार्क स्पॉट है, एक्स्ट्रा अगर आपको कवरेज बिल्डअप करना है, बट इतना इनफ है. आप देख लो पूरा इसने अच्छे से स्किन को इवन टोन कर दिया है एंड बहुत अच्छी कवरेज देती है. तो आप देख लो, ठीक है, इस साइड का आप देख लिया. दूसरी तरफ मैं इसको ब्लेंड करूंगी. अब हम जो ये साइड है चेंज कर देंगे, इस यहाँ से ब्लेंड करेंगे. तो आप देख लो, ये आपको फाउंडेशन ब्लेंड करके बता रही हूँ. यू कैन सी गाइज, इस तरफ मैंने फाउंडेशन लगाया है एंड आप देख लो दोनों तरफ कितना डिफरेंस है. एंड मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में कहीं भी मैंशन आपको किया ही हुआ है कि इसकी जो कवरेज है वो बहुत ज़्यादा लो कवरेज में इसको बोलूँगी. अगर आप बिल्डअप करोगे तो आपको मीडियम कवरेज मिल जाएगी, हाई कवरेज तो नहीं है इसकी, तो आपको पता ही है गाइज. बट सीसी क्रीम को हाई कवरेज, आप सीसी क्रीम से हाई कवरेज ले सकते हो. आप देख लो एक ही मैंने इसका कोट लगाया है, तो आप देख लो कितनी अच्छी कवरेज मिली है. हाई कवरेज मैं इसको बोलूँगी. अगर आपको नीड है थोड़ी सी और लगा के, तो फिर तो ये आपको पता है पूरी हाई कवरेज देगी. इस तरफ कितना डिफरेंस है. अभी भी यहाँ पर मेरी डार्कनेस शो हो रही है इस तरफ से पूरा. इसने कहीं कहीं आप देख लो, मतलब इवन तो किया है स्किन पे, ऐसा लग रहा है कि हाँ इवन टोन तो हुई है स्किन, बट फिर भी उतनी अच्छी कवरेज नहीं है. बिल्डअप करूंगी तो हाँ थोड़ी कवरेज दे देगा, बट स्टिल आई नीड कंसीलर इस साइड. अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों साइड्स में, तो इस तरफ कितना ब्राइट कर दिया उसने फेस को एंड इस तरफ थोड़ा सा अभी भी कवरेज की नीड लग रही है. सो इसी वजह से मुझे सीसी क्रीम ज़्यादा पसंद आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है लैक्मे सीसी क्रीम. मैंने और भी सीसी क्रीम ट्राई की है, पॉन्ड्स की ट्राई की है, बीबी क्रीम है उसकी आती, गार्नियर वाली ट्राई की है, बट मुझे इतनी समझ नहीं आई एंड उसको मैंने एक दो बार यूज़ किया. बट लैक्मे सीसी क्रीम इज माई ऑल टाइम फेवरेट. एंड आप देख लो दोनों तरफ आप डिफरेंस आपके सामने. मैंने सेम अमाउंट लगाया है इस तरफ भी, तो ये थोड़ा सा गीला अभी तो मैट हो जाता, बट जब इसको ब्लेंड करते हो ना, ब्लेंड करने के टाइम वो थोड़ा सा गीला लगता है. जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ी सी थिक है सीसी क्रीम एंड ये थोड़ी सी पतली कंसिस्टेंसी है इसकी. तो या डिफरेंस आपके सामने ही है. बाकी आप बताना अगर आप इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो आपको इसका रिजल्ट कैसा लगता है. मेरी तरफ से सीसी क्रीम को थम्स अप है. इसको भी मैं थम्स डाउन नहीं दूंगी, बट मैं इसको थम्स अप भी नहीं दूंगी. इसकी कवरेज एंड इसकी कवरेज में काफ़ी डिफरेंस है. इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी है. अगर आप मेरी मानोगे तो आप ये वाली ले सकते हो सीसी क्रीम एंड आप देख सकते हो बिल्कुल भी अभी गीला कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल लॉक हो गई है. इवन इसको सेट करने की अभी भी, जैसे विंटर चल रहे हैं, सेट करने की जरूरत नहीं है. बस अपनी अंडराइज में सेट कर लो, यहाँ भी अगर आपको जहाँ स्माइल लाइन्स के पास सेट कर लो, बाकी फेस को रहने दो तो इनफ है. बहुत ज़्यादा केकी पैची नहीं लगेगा. दोनों में से पूछोगे तो ये मेरी इस वीडियो में ये हमारी विनर रहती है. तो आप दोनों में से आप ये वाली ट्राई करके देखना, आपको बहुत पसंद आएगी. सो 4 शेड्स में ही आती है. आप कोई भी अपना शेड, जो भी आपकी आपका स्किन का शेड है, उस हिसाब से अपना शेड चूज कर सकती हो. मेरा शेड पूछोगे तो 01 बेज है. अगर आप मेरे इस कम्प्लेक्शन से हो तो आपको ये वाला शेड ट्राई करना चाहिए. ये वाला बेज आपकी स्किन पे परफेक्ट जाएगा. आप देख लो, बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं देती है, बिल्कुल भी व्हाइट नहीं लग रही है. ब्लेंड हो गई है स्किन में अच्छे से, एकदम नेचुरल लग रही है. सो या गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें. गाइस मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.